The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So liver function test, hepatic function test, liver LFT, KF, LFT जो बोलते हैं कि वो क्या है, वो क्यों करते हैं. So liver basically helps your body digest food, store energy and remove poisons. ये तीन basic काम है liver के. और liver function test एक ब्लड टेस्ट है जिसमें लिवर के यही फंक्शन सही से टेस्ट होते हैं कि लिवर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है, दे चेक फॉर लिवर डैमेज. हम लिवर डैमेज चेक करते हैं और डायग्नोस करते हैं ऐसी बीमारियां लिवर के अंदर जैसे कि हेपेटाइटिस, जैसे कि सिरोसिस, ऐसी डायग्नोस होती हैं. और यहाँ तक कि उनका जो प्रोग्रेस है वो भी असेस होता है कि वो कितने अच्छे से प्रोग्रेस कर रही हैं, ठीक हो रही हैं, नहीं हो रही हैं. राइट, रेगुलर चेकअप के पार्ट होना चाहिए आपके लिवर फंक्शन टेस्ट. और आपको अगर लिवर डिजीज है तो आपके सिम्टम्स असेसमेंट में भी बहुत ज़रूरी होता है. सिम्टम्स कम हो रहे हैं, लिवर फंक्शन कैसा है, नहीं है, प्रिडिक्शन से बहुत काम आता है. राइट, मॉनिटर करने में काम आता है लिवर डिजीजेस को, ट्रीटमेंट में और इवन साइड इफेक्ट्स, कई दवाओं के साइड इफेक्ट्स देखने के लिए काम आता है कि लिवर के ऊपर साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा अगर आप क्रोनिक पेन किलर ले रहे हैं. तो लिवर फंक्शन टेस्ट बहुत ज़रूरी टेस्ट है, इसके बारे में जानना सबको आवश्यक है. और लिवर फंक्शन टेस्ट कोई एक पर्टिकुलर चीज़ का ब्लड टेस्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं. राइट, इसमें आपके लिवर के अंदर प्रोटीन्स, एंजाइम, सब्सटेंसेज, ये सब टेस्ट होते हैं. प्रोटीन जैसे कि अल्ब्यूमिन टेस्ट होता है, टोटल प्रोटीन टेस्ट होता है, अल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन, अल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो टेस्ट होता है. एंजाइम्स टेस्ट होते हैं जो लिवर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि ALT, एलनिन ट्रांसमाइनेज, एस्पार्टेट ट्रांसमाइनेज, जिसको SGOT, SGPT भी कहते हैं. देन अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ALP, GGT, गामा ग्लूटामिन, ट्रांसपेप्टाइडेज, ये सारे एंजाइम्स टेस्ट होते हैं. बिलीरुबिन टेस्ट होता है जो आपके येलो सब्सटेंस, बाइल वाला, जॉन्डिस वाला टेस्ट सब्सटेंस जिससे जॉन्डिस होता है, जो कि रेड ब्लड सेल टूटने से बनता है, वो टेस्ट होता है जो यूरिन में भी आता है, जो हमने ऑलरेडी बताया. और क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रॉम्बिंग टाइम टेस्ट होता है, पीटी टेस्ट मेजर करता है कि आपका ब्लड कितना समय ले रहा है क्लॉट करने में. और ये क्योंकि प्रोथ्रॉम्बिन लिवर बनाता है, इसलिए अगर लिवर खराब होगा तो प्रोथ्रॉम्बिन टाइम बढ़ जाएगा. सो इसीलिए लिवर फंक्शन टेस्ट बहुत ही आवश्यक टेस्ट है जो समझना ज़रूरी है. और लिवर एक इम्पॉर्टेंट इसीलिए है कि लिवर फंक्शन टेस्ट आप सभी को रेगुलरली कराना चाहिए. राइट, किस वजह से कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया, रेगुलर स्क्रीनिंग में लिवर खराब हो रहा है या कोई शक हो रहा है या लिवर की बीमारी है. तो थोड़ा बहुत और समझ लेते हैं कि एलालिन ट्रांसमाइनेज ALT जो टेस्ट है वो मेजर करता है, अगर वो बढ़ जाता है तो एक साइन हो सकता है कि लिवर में डैमेज हो रहा है. वैसे ही AST भी बढ़ जाता है तो भी साइन होता है कि लिवर में डैमेज हो रहा है. ALP, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, लिवर की बीमारी और बाइल डक्ट की डैमेज के वजह से भी हो सकता है, बोन डैमेज के वजह से भी ALP बढ़ सकता है. GGT जो बढ़ता है वो भी लिवर या बाइल डक्ट के डैमेज के वजह से बढ़ सकता है. GGT अपने आप में अगर बढ़ा हुआ होता है तो आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट लोड बहुत कम हो सकता है कि एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत कम है. लिवर के प्रोटीन से पता चलता है बॉडी में कितना प्रोटीन जमा हो रहा है, अल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन और उसका रेशियो. अगर अल्ब्यूमिन, अगर ग्लोबुलिन जो है वो लिवर बनाता है और वो इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए, तो अगर आपके ग्लोबुलिन लेवल कम होगा, लो ग्लोबुलिन लेवल, लिवर के डैमेज में और बहुत सारी अलग बीमारियों में भी हो सकता है और इम्यून सिस्टम लो है ये बताएगा. अल्ब्यूमिन अगर लो होता है वो भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लिवर मार्कर है. अल्ब्यूमिन आपकी बॉडी को ज़रूरी है, अगर वो भी लो होगा तो लिवर डैमेज का एक साइन है. प्रोथ्रॉम्बिन टाइम ऑलरेडी हमने बताया, लिवर में बनता है प्रोथ्रॉम्बिन और क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट करने के लिए हेल्प करता है प्रोथ्रॉम्बिन. और ये टाइम का मतलब है कितना समय लगता है आपके ब्लड को क्लॉट होने के लिए. सो प्रोथ्रॉम्बिन टाइम बढ़ा हुआ होता है तो भी इट्स अ लिवर फंक्शन प्रॉब्लम, तो भी प्रॉब्लम है कि लिवर में डैमेज हो रहा है. बिलीरुबिन अपने आप में, जब हमने बताया, बिलीरुबिन टेस्ट से पता चलता है कि ब्लड में कितना बिलीरुबिन है. अब बिलीरुबिन और कई कारणों से भी आ सकता है ब्लड के अंदर, क्योंकि बिलीरुबिन आपका रेड ब्लड सेल टूटने से भी बनता है. तो जब भी किसी भी कारणवश रेड ब्लड सेल टूटते हैं, चाहे रेड ब्लड सेल में इन्फेक्शन हो जाए, मलेरिया हो जाए, डेंगू हो जाए, तो बिलीरुबिन बढ़ सकता है. लिवर डैमेज हो तब भी बिलीरुबिन बढ़ सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली बिलीरुबिन तो लिवर में बनता है. राइट, सो इस वजह से आपको जॉन्डिस हो जाता है. तो बिलीरुबिन भी एक तरीके का इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो ये सारे टेस्ट होते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट में. सो
इसके बाद हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर एक एक टेस्ट के बारे में बहुत डिटेल में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो टेस्ट हैं जिनके बारे में लोगों को जानना है वो ये बेसिक टेस्ट के जनरल आइडिया आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे लिखिए और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइम ये लिवर फंक्शन टेस्ट की, राइट।